जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार मेडिकल नीट छात्रों के लिए कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर आज का हेडलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले यूजी एमएससी काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं, एमसीसी काउंसलिंग पर बात करने वाले हैं, लेटेस्ट अपडेट को जानने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं, कट ऑफ पर भी बात करने वाले हैं, एडमिशन की तिथि शेड्यूल इस पर भी बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूजी एमएससी काउंसलिंग और एमसीसी काउंसलिंग के बारे में। तो यूजी एमएससी काउंसलिंग स्टेट कोटा का जो 85% सीटें हैं यूजी एमएससी काउंसलिंग द्वारा, इस पर नामांकन होगा। अब आगे बात कर लेते हैं, इधर जो 15% सीटें हैं तो उस पर इंडिया कोटा का 15% सीटों पर नामांकन होगा। तो ये सभी बातें हैं, तो इतना तो आप लोग को जानना भी चाहिए। तो बात कर लेते हैं जो स्टेट कोटा का 15% सीटें हैं, तो इसमें भी देरी हुई है। कारण यह है कि मामले लंबित थे सुप्रीम कोर्ट में, मामले लंबित होने की वजह से इतना देरी हुआ है स्टेट कोटा का जो 15% सीटों पर नामांकन प्रक्रिया में। और आज भी सुनवाई थी, बात कर रहे हैं नीट से जुड़े हुए मामले की सुनवाई की बात करें तो आज भी सुनवाई थी। तो इससे जुड़े हुए मामले की सुनवाई और फैसला को बात करें तो रिजर्व रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। तो इस महीने में कुछ परिणाम जरूर आएंगे और आशा है कि इस महीने में ही जो स्टेट कोटा का बात करें या फिर इधर इंडिया कोटा का जो 15% सीटें हैं तो इस पर भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ज़्यादा उम्मीद है कि इस महीने में शुरू हो जाना चाहिए। और इधर बात करें तो जब बात करें कि इंडिया कोटे का 15% सीटों पर नामांकन शुरू हो जाएगी तो इधर भी स्टेट कोटा के जो 85% सीटें हैं तो इस पर भी काउंसलिंग की जो तिथि है, शेड्यूल है, इसके बाद जारी हो जाएगा 15% सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया, काउंसलिंग ये सब शुरू होते ही। तो ये सब बड़ी खबर कही जा सकती है और ये सब आप लोग को इस महीने में ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार रखें, तो डॉक्यूमेंट पर होगा तो अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग को डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। और आगे बात कर लेते हैं कट ऑफ पर। तो कट ऑफ पर बहुत दिन पहले भी बात कर चुके हैं लेकिन एक बार सभी जानकारी देख लेते हैं। जो भी पहली बार चैनल पर आए हैं या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए एक बार सभी महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर संभावित सीटों की संख्या, MBBS कोर्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स हैं जैसे कि आयुष के कोर्स हो गए, BAMS के कोर्स हैं, BHMS के और BUMS के कोर्स हैं। तो इस पर इस वीडियो में नहीं बात करेंगे, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं इन सभी कोर्स के बारे में, BAMS ये सब के बारे में, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी ये सभी कोर्स के बारे में। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि BDS के भी कोर्स हैं तो आप लोग देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, और बिहार मेडिकल नीट के नाम से है प्लेलिस्ट इस चैनल पर ही। तो सीटों की संख्या देख लिए होंगे, कॉलेज की संख्या दिया गया है और सीटों की संख्या, कॉलेज के बारे में विस्तार से जानना है तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सभी जानकारी है। अब आगे बात कर लेते हैं, हाँ ये इस साइड देख रहे हैं कि 165 सीटें स्टेट कोटा के हैं, संभावित सीटें हैं, PMCH की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी जो सीटें हैं स्टेट कोटा के 85% सीटें हैं और बात करें कि इंडिया कोटा की बात करें, इंडिया स्तर पर 15% सीटें हैं। उसका ये कट ऑफ पिछले साल के अनुसार हैं, इस पर बात करने वाले हैं आखिर कितना रैंक तक का सरकारी मेडिकल कॉलेज में नामांकन पक्का, तो इस पर बात करने वाले हैं। जाने किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, कोटी के अनुसार जानने वाले हैं किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। यूजी एमएससी काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं और इसके अनुसार देखने वाले हैं, कट ऑफ देखने वाले हैं, एडमिशन प्रोसेस पर भी बात करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी। तो आप लोग बने रहें, तो देख सकते हैं कॉलेज और रैंक के अनुसार, कोटी के अनुसार देख सकते हैं किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है कोटी के अनुसार, तो देख लीजिए। तो खुद से देखना है, जितना रैंक है उस अनुसार से देख लें। इससे एक बात करें तो एक तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है कोटी के अनुसार। पिछले साल का ये है, दो राउंड होते हैं, उसके बाद
भी होते हैं, लेकिन 2 राउंड से ही लेना है इसका भी, सेकेंड राउंड तक से ही। ये भी देख सकते हैं किसी कोटी में किस रैंक तक का सरकारी कॉलेज मिल सकता है, ये बातें हैं। तो ये सब आगे नोट भी देख सकते हैं। यूजी एमएससी रैंक पर अंतिम रूप से डिपेंड करेगा, यूजी एमएससी रैंक पर जब आप लोग अप्लाई करेंगे उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद यूजी एमएससी रैंक बनेगा, तो उस पर भी आगे बात करने वाले हैं। तो ये देख लिए होंगे, बात कर लेते हैं जनरल कोटी की। बात करें तो 13,000 मानकर चलें, वही अनुमान लगाना है। जैसे कि बीसी है तो लगभग मान के चले 17,000, ईडब्ल्यूएस है तो लगभग मान के चले 21,000 है रैंक तो बन सकता है, और ईबीसी है तो मान के चले कि 27,000 है तो बन सकता है, एससी है तो आप लोग ये सभी देख सकते हैं एससी एसटी में भी। और आप लोग को नीट मार्क्स अनुसार नहीं देखना है, जो ऑल इंडिया रैंक फॉर काउंसलिंग दिया रहेगा उस अनुसार से बात कर रहे हैं। EIR ऑल इंडिया रैंक फॉर काउंसलिंग लिखा होगा उसी अनुसार से आप लोग को यहाँ देखना है। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग ये भी देख रहे होंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देख लीजिए नामांकन प्रक्रिया के बारे में, सबसे पहले यूजी एमएससी काउंसलिंग के लिए सबसे पहले प्रोस्पेक्टस जारी होगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूजी एमएससी रैंक आएगा, स्कोर कार्ड जारी होगा, स्कोर कार्ड जारी होने के बाद फिर से कॉलेज का ये सब का च्वाइस फिलिंग होगा, तो चॉइस फिलिंग होने के बाद अलॉटमेंट होगा, और अलॉटमेंट के बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, और डॉक्यूमेंट कौन कौन ले जाने हैं इस वीडियो में नहीं बात कर सकते हैं, और आप लोग को संभवतः पता भी होगा। जैसे कि बात कर लेते हैं ये इंटर कर चुके हैं तो आप लोग को 10th का इंटर का तो ये सब का तो सर्टिफिकेट मार्कशीट ये सब तो रखने ही हैं अपने पास। और इसके अलावा बात करें तो नीट का जो है तो नीट का भी आप लोग एडमिट कार्ड भी रखेंगे, स्कोर कार्ड भी रखेंगे अपने पास। तो कुछ जानकारी बात कर लेते हैं, वैसे अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा जो भी रैंक आएंगे आप लोग का जो स्कोर कार्ड जारी होगा यूजी एमएससी का तो वो भी रखने हैं। उसके बाद जो अप्लाई करने के बाद जो स्लिप होगा चॉइस स्लिप जैसे कि कॉलेज का तो वो भी ले जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और जो भी अलॉटमेंट आएगा अलॉटमेंट का जो ऑर्डर लेटर रहेगा तो वो भी रखने हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट हैं, इसके अलावा फ़ोटो भी रखने हैं तो इस पर आगे बात करेंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट कम से कम रख लेने हैं। हाँ CLC की बात, CLC हाँ CLC भी या फिर SLC जो भी हैं तो ये भी लग सकता है, माइग्रेशन ये सब हैं तो आप लोग समझ सकते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे ये सभी जानकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर, तो संभवतः बता दिए हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को, ये भी देख सकते हैं, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कट ऑफ पर कुछ बात कर लेते हैं कि कट ऑफ किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो कॉलेज पर भी डिपेंड करता है, आप किस कॉलेज को पसंद करते हैं, आपका स्टेट क्या है, जैसे कि स्टेट कोटा का 85% सीटें हैं तो ये भी बातें हैं, या फिर बात करें कि कोटी पर भी डिपेंड करता है आप किस कोटी से हैं, जैसे कि जनरल से हैं या फिर बीसी से हैं ईबीसी से हैं, जैसे कि बिहार में ये सब चलता है बीसी ईबीसी तो इससे हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर एससी एसटी से हैं, तो ये सब हैं, तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिपेंड करता है कट ऑफ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।